आप लोगों के लिए वीनस कैसेट रिकॉर्डिंग की तरफ से पेश किया जा रहा है चालन भूमिका बागाना का। अरे नर की जननी खड़ी अब बिलखती यहाँ, बेरहम कितना अंधा जमाना हुआ। आज के बदलते समाज के परिवेश में नारी की गरिमा को सदा कलंकित करने वाले लोगों के लिए यह गाना बहुत ही उपयोगी है। तो गीत का लाइन बाप बाबा, यह गीत के लाइन बजोन मास्टर बजोलन है कि गांव की गोरी चोरी चोरी, गांव की गोरी चोरी चोरी, जब पन घट पे जाए चुनरिया लहर लहर लहराए, चुनरिया लेकिन कहना बाप कि आज की नारी बनी बेचारी, तन मन लुटता जाए नजरिया बरस बरस रही जाए, नजरिया काहे जहनवा में पाप बढ़ल जात बा, अब ला के इज्जत सड़क पे लूटात बा, बनी खिलौना बनी खिलौना खेले कमीना, तनिको ना शरमाए नजरिया बरस बरस रही जाए, नजरिया नजरिया। कहना बा अबलाओं को लोग कहते हैं कि अबला जीवन है तेरी यही कहानी, अरे आंचल में दूध है आंखों में पानी, लेकिन कहानी बा कहाँ कर कि आज इंसान क्यों शैतान नजर आता है, आज इंसान क्यों शैतान नजर आता है, पराग बन के वह इंसानियत को खाता है। पूर्व का आंचल गोरखपुर की कहानी है, पूर्व के आंचल गोरखपुर की कहानी है, कन्हौली ग्राम थाना सिकरीगंज नूरानी है।
वहीं त्रिलोकीनाथ का कुशल परिवार रहा, वहीं त्रिलोकीनाथ का कुशल परिवार रहा। रिटायर सेना के थे क्षेत्र में प्रचार रहा, पुत्र जवान था जो सेना में लगवाए दिए, पुत्र जवान था जो सेना में लगवाए दिए। नवेली दुल्हन उनकी नैहर से मंगवाए लिए, घटना को समझ लें। गोरखपुर जिला के अंतर्गत सिकरीगंज थाना बाप, उसी थाना के अंतर्गत ग्राम आता है कन्होली, वहां के त्रिलोकीनाथ जी सब परिवार रहते थे। उनके परिवार में एक लड़का रहल, अपने स्वयं जम्बा रिटायर रहन सेना के, लड़का के भी सेना में लगवा दिले हुमन। घर में के बाप एक लड़का के दुल्हन जे के पतोहू कहल जाला। एक दिन के बाद बाप लाइन लगे बिरसिया के मास्टर, बाबा कि सुघर सलोनी रहली अब तुलसी दुलनी आहो, अरे सीमा ऊपर सैया जे कर करे लन नो करी, कि दिनवा पहाड़ लागे बैरी रईनिया, अरे से जी आप कुहा के ले काली कोई लरी, कि पेटवा में पीड़ा उठल अरे बढ़ल परेशानी, अरे ससुर जी लिया के गईले डागटर दुवरिया। भाई साहब एक दिल जन बा पतोहिया जेकर नाम तुलसी बतावल गई, पेट में दर्द उठत बा, और जब दर्द उठ जाता है ससुर जी लिया के त्रिलोकीनाथ जी डॉक्टर के पास गईलन, जौन गवई के डॉक्टर होलन, सड़क पे दवा खाना खोले रहलन, लेके पहुँचल हुअन, लोग दवाई देहलन, लेकिन कोनो फर्क ना पड़ल बा। लेकिन यह गीत लग गई, और गीत ही जौन बा मथुरा में आप जइबा ब्रिज भूमि में कृष्ण जी के जन्मस्थली में, तो बड़ा जोर शोर से गवाला गीत, एके रसिया मल्हार कहेलन कैसे गावल जला, कि अब मैं प्यार करो भरतार, अरे मैं प्यार करो भरतार, भरतार मंगवाई देर चोली रे सम की, मैं प्यार लेकिन साथ साथ जन बा महिला और काका अपने सैया से डिमांड रखे ले, कि अरे वाह में दुई हीरे जड़े रहे, और का रहे अब दोनों सीने पे खड़े रहे, दो अरे दोनों का मतलब जो बात दुई होला दुई, अरे तब से जिया पे होवे धुआंधार रंगदार मंगवाई देर चोली रे समकी, लेकिन ससुर जी लिया के चलते ले बंधु लहनिया के वहां के बाद बा, कि अब संग ससुरा, अरे अब संग ससुरा चला है बरियार, संग ससुरा चला है बरियार, सरकार दिलवा नेर सुई डॉक्टर की, दिलवा नेर सुई डॉक्टर की, चला है बरियार, सरकार
अरे गवई में डॉक्टर पास रहे रे, गवई में पर उन पर ना विश्वास रहे रे, पर ले शहर को भागे सरकार रंगदार दिलवाने रे सुई डॉक्टर की, रंगदार अरे सुई लगी सुई। गवे के जौन डॉक्टर हुवन कलन सरकार आप इसे तत्काल लेकर के जाइए शहर में, हमारे पास का पर्याप्त इलाज नहीं है। तत्काल त्रिलोकीनाथ अपनी पतोहू को लेकर के बाबूजी पहुंच जाते हैं, कहां गोरखपुर पहुंचलन है। जब गोरखपुर पहुंचलन है तो वहां का भाव बा गीत लग गए, गीत वह बा एक जोन बा देवर का शिकायत बा अपने भौजी से अपने भैया के प्रति, का कहेला कि अब जहिया से भौजी रे, जहिया से भौजी रे दिहलू टिकुनिया तहिया से, अरे तहिया से दुबरैला भैया मोर सुनबी तहिया से, जोन बाले के जब दुल्हनिया के पहुंचल हुमन अब दिहल दवाई नहीं मिलल बाया रमवाया परेशानावा होई, अपरेशानावा होई लेके गईले गोरखपुर अपरेशाना सराफ नरसिंह हो मैं मशहूर बा, नरसिंह मशहूर बा, डॉक्टर प्रतिभा जी का चर्चा भरपूर बा, जौन समय गोरखपुर पहुंचल हुवन लोग सलाह देलन के शहर में सबसे अच्छा डॉक्टर जौन बा लेडी डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता जी बाड़िन, आप उनके नर्सिंग होम में ले जा। नर्सिंग होम में बाबूजी ले गईलन तो कैलिन का अरे भरती करवली फारी दिहली उतनवा या परेशानावा होई, अपरेशाना होई लेके गईले गोरखपुर अपरेशानावा होई, डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता जी कहलिन कि जो है इसके पेट में ट्यूमर है, इसे ऑपरेशन द्वारा निकलाना पड़ेगा। ऑपरेशन के जोन बा पैसा वगैरह तय हो गई बा, मजदूरी तय हो गई, ऑपरेशन शुरू कर दिलिन। जब ऑपरेशन शुरू हो गई बा कामयाब रहल ऑपरेशन, यहाँ गीत लग गई, गीत के लाइन बा वाह 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 वाह, यह गीत के लाइन बा जोन श्याम सुंदर जी बजौलन है। एक देवारा का लड़की जोन बाप बंगरे के लड़का से मोहब्बत के लेलस, कले रे पगली ते देवारा में बसेली, हमार क्षेत्र बांगर है, बताओ मोहब्बत कैसे पार उतरी, अगर कबो तो उसे मिलहू के दिल करे तो कैसे मुलाकात हुई, तू अपन निशानी बताओ बा का बताओ ले बा कि नदिया के तीर बा पलानी मोरे भैया, और का बतौले बा अरे पकवाई नार बा घनी बसवारिया, बाबा जय मलिया
नदिया के तीर बा पलानी मोरे भैया, लेकिन दुल्हन के साथ भइल का बा ऑपरेशन हो गइल बा। ऑपरेशन के बाद बा कि पेटवा के दूर भय बीमारी मोरे भैया, ट्यूमर के निकारी फर पेटवा के चमड़ी, 17 टा का पेटवा में भारी मोरे भैया, पेटवा के दूर भय बीमारी मोरे भैया। बाबूजी ऑपरेशन कर दिया गया तुलसी देवी का, 17 टाका उसके पेट में जो है टाकों से जो पूरा चेत छलनी हो गया जब पेट बाबूजी, उस समय की बात है। बीमारी तो दूर हो गई बा, दुल्हनिया सोचत बा अगर ऐसे अवस्था में हमार सैया होतन तो शायद उनके दिल पर का गुजरत। यह बतिया सोच के दुल्हनिया अपने मने मने सोचत या उकरे मन के कल्पना कभी लिखलन का लिखलन गीत का लाइन बा। ये गीत जौन बा जौना समय मेहरारू करवा चौथ भूखे लीन, वो समय जौन बा बिहार में बड़ा जोर शोर से गावल जाला। कैसे गावल जाला कि अब दूध के कटोरिया में रतिया नहैली, अरे कैली अजरिया से प्यार बलमा चांद बदरी से झांके, कि मारे करे जवा में बान बलमा चांद बदरी से झांके, मारे करे जवा में बान मारे कर जवा में बान बलमा चांद। लेकिन दुल्हन तुलसी देवी सोचत है कि भैली दवाई दवाई दवाई, भैली दवाई बीमारी दूर भैली, अरे हो गई नवल बिहार बलमयाज सीमा पे बाटे, कि साले कर जवाब में बान बलमयाज सीमा पे बाटे। सैया ना हुन हमारी दशा अगर देखतन तो का उनके ऊपर गुजरत भइल का, कि आवे न तुलसी के आँख बीचे निदिया, जहर बन गइल उनके माथे कबिदिया, कि बनल एक कंपाउंडर हैवाल बलमाया जसीमा पे बाटे, बनल एक कंपाउंडर हैवाल बनल कम बाबूजी। इतनी बात को जो है सोच रही थी दुल्हन, रात का समय था, 6 दिन गुजर गया उस हॉस्पिटल के अंदर। तुलसी देवी को टांका काटने का समय आ गया। उस हॉस्पिटल के अंदर एक कंपाउंडर था, तुलसी देवी जौन बाप नवविवाहित रहली, नया विवाह भइल रहल, नई नवली दुल्हन रहली, उनके माथे के बिदिया इतना सुंदर रहल, कंपाउंडरवा देख के जनवा ललायित हो गई बा, अपन जुगाड़ लगावे लगल बा कि शायद मिल जा तो ठीक रह। कैलाश का यहाँ गीत का लाइन बा, गीत है बा। एके लोग बहुत झूम झूम के गौलन, लेकिन गौया के बदल के गावत हमन कि नथुनिया पे गोली मारे सैया हमार हो, लेकिन यही के थोड़ा सा हट के लोग गावला कैसे कि अरे जब ले सिपाही से, जब से सिपाही से भैल को तवाल हो झूलनिया के चुमा लेल, अरे सैया हमार हो झूलनिया के चुमा लेल, सैया हमार हो
यह गीत का लाइन बा, लेकिन जो न समय कम पंडर बा तुलसी देवी के देख ले बा। तुलसी का यौवन देखी बाबा, तुलसी का यौवन देखी भैल मद होश बेहोश मालूम गीत गाई, खोवे लागल होश बेहोश कंपाउंडर शीश के तब बदल लिमानावा, बन के पराग रस चूसल चाहे तानावा, के पराग रस पहुँचल फिर दोष हो बेहोश मालूम गिर जाई, खोवे लागल होश हो बेहोश। जवानी के देख के मत होश होके लगल बा, रात के जौन बा मौका पा करके करत का बा, अब जाई के जगाई देला, अब यसी से दुराचरिया हो, अरे तुलसी देवी के खुल आँखी का पुतरिया, अरे पटिया हटल बाटी चल बदलाई लेबू, अरे नहीं बाकी टाका बढ़ी जाई हन बीमारिया। कंपाउंडर का बात सुन, अरे बोलल बा दुलनिया हो, अरे ससुर के जगाई देव चली है संहरिया। कल समके तोरे साथ न जा बाप, हमारे ससुर को जगा दीजिए, मैं उनके साथ चलूंगी। लेकिन कंपाउंडर वास सोचा अगर ससुरा साथे चल जाए तो हमार काम बनी ना, करता क्या हुआ कमीना। यहाँ गीत का लाइन लग गई, गीत का लाइन बा कि हम तुमसे पूछिला माली ना यही रे माली, काहे के चढ़वलू बासी फूल मालिन। ये गौया गावेलन, लेकिन एक बहुत पहले गौन का कि कैसे गावत रहलन कि माई कहेली बेटी नियरे बियाह बहो, भैया कहेलन दस कोस। ये गीत का लाइन रहल, कैले बाऊ कमीना मुँह से आवाज या निकाले दुलहिनिया हो, कामी बनल शैतान वही जुनिया हो, अरे चबरी से खींचे लागल सयवा के डोरिया का सैया बन के चूस लिहले, रसवा हजार हो का सैया बन के चूस लिहले, जो है बात को नहीं मानता है, अबला के साथ
बलात्कार करने पे जो है आतुर हो जाता है, रो रो के दुल्हनिया एक बात कहले बा, का कहले बा, यहाँ गीत के लाइन में गीत है बाप की झुलनी मोरा गढ़ी दे रे सोनारा, लागल गावा नावा के आस जी। दुल्हनिया रो के कहत बा कि लूटा जिन मनवाए बाबूजी, तुलसी रोवेली बनला चार जी, हथवा के बानी रे पापी कसी के रसरिया में, गोड़वा के बान है बदकार, जबरी धसावे रे लागल तीर बेई मना, अबला से कैला सबला तकार जी। बाबूजी वह दुष्ट कमीना उस असहाय अबला के ऑपरेशन के टांकों को भी देखा नहीं कि एक दुखियारिन जो कि इस स्थिति में है, मैं इसके साथ कैसे दुष्कर्म कर रहा हूँ। कभी के टेरी के भाव लिखे पड़ गए, आए अरे राम लजाया अंबर आंसू पी रहा, पशुता किया कमीना जखम में तीर धसाया, नींद खुल गई त्रिलोकी की बहुवर का क्रंदन सुनकर के, लगे पीटने दरवाजे को भारी शंका में घिर करके, तब तक खोला दरवाजे को वशीश कमीना भागा है, अरे तड़प रही बिस्तर पे तुलसी आक्रोश तभी मन जागा है। तुलसी देवी के क्रंदन सुन के त्रिलोकी नाथ के नींद खुल गई बा, कंपाउंडर ड्रेसिंग रूम में जो है उनके साथ तुलसी के साथ बलात्कार करने के बाद दरवाजा खोलकर भाग लेता है, और जब त्रिलोकीनाथ पीछे पीछे दौड़लन है पकड़े बदे, कुछ कर्मचारी आके बेचारे के जकड़ लेलन है, एक बंद कोठरी में ताला मार देलन। रात का समय गुजर जाता है 1:30 बजे के आसपास, कोई डॉक्टर गेट खोल करके अपने ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आते हैं, उस समय मौका पा करके त्रिलोकी जौन बा चौक तिराहा पर पहुँच गएलन है, पुलिस जिप्सी के देखलन है बतौलन है सारी घटना, पुलिस आयल बा लेकिन कहना बाला का भाव बा, आए अरे पहुंचल पुलिस साथे लेके लाश करी आए भैया, सलाफन सिंह हो मावा में खतरा बारी यार, तुलसी देवी से जाके भैया, सारी रे हवलिया तब दी हली बता, देई के बयान उबे होश होई गई भैया, बिगड़ल हालतिया देखा सब घबड़ा, सभी हालत को देख करके तुलसी देवी का बेहोशी हालत में हॉस्पिटल से निकाल करके महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, और उनके बयान के मुताबिक जो है उस पूरे नर्सिंग होम में छापा मार करके जो है तमाम इंक्वायरियां होने लगी, पूरे गोरखपुर शहर में चर्चा का विषय बन गया वह कमीना आशीष कंपाउंडर जो है इतना बड़ा दुष्कर्म कर दिया भैल का लास्ट मारवा गाना का। कहना है अरे सारे गोरखपुर शहर में अब मचलबा खलबा
बोली, अरे पापी पकड़ाइल कमीना अशीष बंछली। अब छपा यहाँ अखबार हो, कैदी पढ़ल जेल के अंदर कैले क्रोध अपार हो। 11 जून को दैनिक जागरण में जब यह चर्चा छप करके आती है, पुलिस अरेस्ट करके अशीष को जिस कैद में डाल रखी थी, वहां के कैदियों ने जब पढ़ा उनका खून खौल गया कैलन का। अरे दाढ़ी मोछ नोचे तब बतिसिया हिली, पापी पकड़ाइल कमीना अशीष बंछली। मचा कुलाहल शहर के अंदर हुआ प्रदर्शन भारी, ताला बंद हो हॉस्पिटल में मांग यही है हमारी, गैल बात शासन यो प्रशासन के टंगरिया हिली, रे पापी पकड़ाइल कमीना अशीष बंछली। पंधारी गुरु महादेव पड़ताल कराए जाके, श्यामा शिव चरण न्यायालय से न्याय को मांगे आके, अब लजाया अंबर या सूपी रहा, यादव राम हर क्यों जीवन नरक बनाया, लजाया अंबर या सूपी रहा, अरे मोरे रामा हो राम, तो छम छमाते जो घुघरू मेरे पाँव में, इस जमाने ने हमको दिए हैं सिले, रोज सजती सारती उन्हीं के लिए, जख्म दिल में फिर भी ये लब है खिले, मांग सुनी है फिर भी सुहागन हूं मैं, रोज दुल्हे बदलना मेरा काम है,
अरे से जब फूलों से सजती पर घूंघट नहीं, एक बेस्या के जीवन का अंजाम है। मास्टर गीत लग गई, गजल के नमूना बा, वाह 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 वाह, यह बा कि चमकते चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला रे, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला रे, टूटा हुआ तारा बना डाला। तेरी आवारगी ने मुझे तेरे पायल के घुंघरू मुझे घायल बना डाला, तेरे मुझे लेकिन कहना बाप कि समझते समझते आईना मुझको जो चेहरा दिखा डाला, चेहरा अरे मेरी मेरी बेचारगी ने मुझे जो पहरा बिठा डाला, बेचारगी ने मुझे पहरा, मेरी बेचारगी ने मुझे पहरा बिठा, लारे 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 लला। ड्राइवर राजा राम का सफल परिवार रहा, गोद में बच्चे दे थे गुलशन में बहार रहा, रामे लड़का मीना लड़की जो दुलारी थी, गजब का रूप उसका कुदरत ने संवारी थी, पास विद्यालय में दसवीं में पढ़ा करती थी, भ्रात भी साथ जाता मोरनी मचलती थी, भ्रातरामे को जब बुखार ने सताया है, भ्रातरामे को जब बुखार ने सताया है, अकेली पढ़ने गई दुष्ट एक आया है, अकेली पढ़ने गई कहानी को समझ लें। एक ड्राइवर जेकर नाम राजा राम रहल, जौन बा सब परिवार राजस्थान के गांव में रहत रहलन, जेकर एक लड़का ओकर नाम रामे रहल, उसे बड़ी लड़की रहल ओकर नाम जौन बा आशा रहल, पढ़े जात बा स्कूल में, एक दिन के बाद बा पढ़ के अकेली वो लड़की आ रही थी, रास्ते में कुछ स्टूडेंट मिल करके उससे छेड़खानी करने लगते हैं, तो कहना बा कि जयपुर सहरिया के अब नेता विजेंद्र रहले, उन्हीं के लड़ी का राजेंद्र तूफनी,
सथियन के साथे मिली पियला सरबिया हो, लड़किन से छेड़ छाड़ करे लागू मनिया, कि मीना के देखी पापी मारे किल करिया रहिया के रोकी तब बोले कुबचनिया। एक दिन जौन बा मीना के अकेला पाके वो दुष्ट मजाक करके कहता है का कहले बा गीत लग गई गीत का लाइन बा बाबा यह गीत का लाइन बा जो मास्टर बजोले हुवन कि गोरिया हमरा के छोड़ के कहा जालू ना गोरिया। गीत के लाइन बा लेकिन मजाक में कहलस का कि गोरी गजब सूरतिया तोहार बाटना, तोहस कहलस कि तुहार सूर इतना सुंदर बा कि तोह से लागल प्रीतिया हमारू बाटना, गोरी गजब सूरतिया तोहार बाटना। बन के बदरिया से जरिया पयव तू ए गोरी ए रानी ए चिरई, बन के बदरिया से जरिया पेयव तू अपने जवानी के रस बरसव तू, देख सुनी हाँ देख सुनी सजरिया हमार बाटना, गोरी गजब सूरतिया तोहार बाटना। इतनी बात जब मीना सुनती है ललकार कर कहती क्या कहती है, अरे खबरदार अब संभल जा पापी, खबरदार अब समझ जा पापी बाघी मन ललकारी है, अरे तेजस्वनी बन गई चंडिका दो थप्पड़ खींच के मारी है, अरे सुर्ख हो गया चेहरा उसका, अरे सुर्ख हो गया चेहरा उसका उंगली का पहचान बना, अरे तम तमा कर छोड़ दिया पर बदले का हैवान बना। कल जात छोड़ देते है लेकिन मौका से जब मिल जेबू ते तुहार फूल जवानी हम झाड़ दे। कहलस कैसे यहाँ गीत लगल गीतू बा कि अब बारी उमारी आके, अब बारी उमारी आके थोरी हो प्रीतिया नाई गए बाल में, अब पतरी कमरिया के गोरी हो लचकाई गए बाल में, पतरी कमरिया के गोरी हो बाटी छोड़ी हो गुसिया बोलल पापी, अरे बदला चुके में बल जोरी हो गुसिया बोले पापी, बदला चुके में बल जोरी भागल बा कमीना मीना आईली भवानावा,
चेहरा के देख माई पूछे ली करनवा। अब भेदवा छिपावे ले, भेदवा छिपावे ले चकोरी हो गुसिया बोले पापी। अरे बतिया बनावे कौनो ओरी हो गुसिया बोले पापी। अपने माँ से बहाना कर देती है, बतलाती नहीं हूँ छेड़छाड़ की बात। आराम से समय कट रहा था, धीरे धीरे कुछ समय जब बीतल बाप एक घटना घट गई। एक एक्सीडेंट में जौन बाप उनके पिता का देहांत हो गई, बाबू राम जी का देहांत हो गई, दोनों भाई बहन अनाथ हो गईलन। और जब दोनों भाई बहन अनाथ हो गईलन है तो भाई जौन बाप बहन कहत बा, रे बहनी पिताजी ना हुन कोनो बात नहीं बा, रे बहनी हम तोर जीवन निभाई, हम तो के पढ़ाई, हम स्कूल भेजब कहलस कैसे। यहाँ गीत लगल, गीत वह बा वह लाइन बा कि झूलनी मोरा गढ़ी दे रे सोना, लागल गवानावा के आस जी, लागल गवानावा के आस जी। लड़कवा कि फूटल किस्मतिया ए बहिनी, हमहन के भाईलिया बीरना रामे धरावे सबुरावा हो, बहिनी नी भईबे हम साथ जी। कलश बहिनी चिंता के बात ना बा, हम पूरा जीवन निर्वाह करब तोर। राजा राम के मर जाने से बाबूजी घर की आमदनी भी खत्म हो गई। धीरे धीरे लड़िकवा जौन बा रामे नौकरी कर ले बा, बहनिया के पढ़े दोबारा स्कूल भेज दे ले बा। एक दिन बाद दुष्ट कमीना फिर अपने चुंगल में उस कबूतर को फंसा लेता है बाबूजी। कहना बा गीत लग गई, गीत है बा कि निरजन जगह में तीनों, तीन साथियों के साथ निर्जन स्थल पे ले जाते हैं पकड़ के बाबूजी। कि निरजन जगह में तीनों, अरे मीना के ले गई ले हो, अरे मुहावा में कपड़ा के ठूसी दूरा चरिया, प्रतिरोध करे मीना अरे तब मारे दूरा चरिया हो, अरे खोल सलवार पापी खींची देला डोरिया। कैलश ब्लात कारा तीनों, अरे बेहोश तब मुरा हो, अरे भोगती ना दीना बिगड़ल मीना के सूरतिया। तीन दिन तक बाबूजी प्रमाण मिला पत्रिका के अंदर, कुछ
असहाय कुमारी बाला मीना के साथ गद्दार बलात्कार करते रहे, कहना पड़ा टेरी के भाव बा। आए अरे राम वतन में क्या गरीबी है सजा, कोमल कली को मसले दाग लगाए तन में, वतन में क्या गरीबी है सजा। तो लुटाया बरू मीना अपने, अरे लुटाया बरू मीना अपने आंगन आई आसुगार। अरे भाई रामे थाने पर पहुंचा पर थानेदार कहलन इनकार। थानेदार साहब कहलन का कि एक इज्जतदार का बेटा है वह, नेताजी के लड़का रहलन, कि एक इज्जतदार का बेटा है वह ऐसा नहीं कर सकता है। अरे तमाम चाहने वाले उसके क्या इस चुड़ैल पर मर सकता है। गलत भग जाए यहां से, अपनी बहन की सूरत देखा कभी आने में? इतने बड़े महान आदमी के लड़के को तुम कलंक लगा रहे हो, कह तो हमारी बहन के साथ छेड़खानी किया। अरे भग जा यहां से। लेकिन फिर भी तुम अगर आए हो, कहले कि फिर भी तुम अगर आए हो तो पहले जांच करवाऊंगा। अरे तुम घर पर जाए आराम करो, मैं नोटिस घर भिजवाऊंगा। कहने भग जाओ यहाँ से, अगर तुम आए हो तो मैं ठीक है पहले जांच करूंगा क्या है वास्तविकता, उसके बाद मैं तुम्हारे घर नोटिस भिजवाऊंगा जब थाने में जाना। असहाय दोनों भाई बहन बाबूजी जी समय घर पहुंचते हैं, लोग पड़ोस वाले ताना मार मार करके जीना हराम कर देते हैं। तो कहना पहपड़ भावा आए, अरे आज गरीबी रोव भरी नयनवा भारत नगरी में, अरे कह अमीर के बरसे लतनवा भारत नगरी में, तनवा भारत नगरी में। अरे बीत गया कुछ माह मगर थाने से कोई ना यही न हो, अब ताना कस पड़ोसी सारे जीवन दुर्लभ भई न हो। अरे बेच चला है पुरखन का भवन व भारत नगरी में, अब न्याय मिलल न कई ले कोट यतन व भारत नगरी में। बाबूजी जो है पड़ोसियों का समाज का ताना सहते सहते पूरा कलेजा बाबूजी छलनी हो गया उन दोनों भाई बहनों का। साथ में बूढ़ी माँ जो दमा की मरीज थी, जीना हराम कर दिए समाज वाले। आखिर में एक दिन जो है अपने पुराने मकान को छोड़ करके बेच करके बाबूजी कूच कर जाते हैं दूसरे शहर में अपने जीवन यापन करने के लिए। तो कहना पड़ा अल्लाह का भाव बाबू आए, अरे जैसे बनवासी राम छोड़ा ल नगरिया रे भैया, कोई से छोड़ी दिहले बाबू तीनों राजस्थान, घूमा तक गईले तीनों लखनऊ सहरिया रे भैया, लिहले लेकर के अपनी बहन और साथ में बीमार माँ को लेकर पहुंच जाते हैं लखनऊ शहर में। वहाँ एक किराए का मकान लेकर के रहने लगते हैं। पड़ोस में एक महिला थी जो चरित्रहीन थी, रामे नौकरी पे चला जाता था, एक फॉर्म में काम करने के लिए चला जाता था। अकेली घर में मीना को देख करके उस महिला का मन डोल जाता है, अपने पैसे में उतारने के लिए विवश कर देती है।
रहली पड़ोस बीचे एकठे दुलनिया, नौकरी के लालच दे ले गई सुजान, नौकरी की लालच दे दिहले सुजान, चार बाग लखनऊ में सेठ के दुवरिया, दस दिन भोग सेठ बनी है वान, आर बेसा के हाथे अब फिर बेच दिया पपिया, अब कीमत दोबारा वसूला शैतान, चरित्रहीन बुढ़िया ले जाकर के लखनऊ में एक सेठ को 15,000 रुपए में बेच देती है। सेठ 10 दिन तक उसके साथ विलासता करता है। अपनी काम कुंठाओं को पूरा करने के बाद एक और दलाल के हाथों बाबूजी बेच देता है। तो कहना बा लास्ट प्रमाण में आए, अरे कोठा ऊपर मीना अब बहावे असिया, सौदागर उसको दिल्ली में ले आए, 25,000 रुपए में फिर बेच दीवारा पाए भाए, गिद्धन के जस मसिया उतरी गे नथिया, मीना जैसी अन्य किशोरी न्याय नहीं जब पाती, जीवन जहर बनाई इज्जतदारों की से जस जाती पाती, फिर अभी ना कदरिया उतरी गे नथिया, बाबूजी आज के जो इज्जतदार कहने वाले लोग हैं समाज में ऐसे ऐसे दुष्कर्म करते हैं, किस बेस्या के बातों से अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो कहना बाब कि पंधारी गुरु महादेव जो इज्जतदार कहाते, श्यामा शिव चरण दुनिया में दुष्कर्म वहीं से आते हो, अरे राम वतन में क्या गरीबी है सजा, यादव राम रख